सार्थक सेवा संस्थान द्वारा मदर्स डे पर हेल्थ टॉक का आयोजन। सार्थक सेवा संस्थान और एम्स जयपुर हॉस्पिटल के तत्वाधान में मदर्स डे के अवसर पर महिलाओं के लिए हेल्थ टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन के संयोजक प्रकाश शर्मा एवं बिंदिया शर्मा ने बताया है कि इस अवसर पर महिलाओं के लिए निःशुल्क जाँच एवं परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में एम्स जयपुर हॉस्पिटल की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता मेहता और वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप मेहता ने हेल्थ टॉक के माध्यम से वहां उपस्थित महिलाओं से रूबरू होते हुए उनसे विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों को लेकर चर्चा की और उचित परामर्श प्रदान किया। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। हमने सार्थक सेवा संस्थान और इंडस जयपुर हॉस्पिटल ने दोनों के संयुक्त तत्वाधान में हमने पार्क क्लासिक होटल में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जो कि मदर्स डे के उपलक्ष्य में हमने रखा है और हेल्थ टॉक भी है। और हेल्थ टॉक के साथ साथ में हमने बीपी, शुगर, बोन डेंसिटी और हीमोग्लोबिन वगैरह की सारी जाँचें महिलाओं की सबकी और जो भी पुरुष भी आए थे उनकी भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई है। हमारा उद्देश्य है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सार्थक सेवा संस्थान इसी उद्देश्य के ऊपर चल रहा है और इसी उद्देश्य को लेकर हमने आज ये कार्यक्रम रखा है कि सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और महिलाएं जो कि परिवार और अपने बच्चों में अपने आप को स्वयं को भूल चुकी है, अपने आप का ध्यान नहीं रख पाती है, तो उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने इसमें रखा है कि वो अवेयर हुएं। जब महिलाएं स्वयं अवेयर होंगी, अपना ध्यान रख पाएंगी, खुद स्वयं स्वस्थ रहेंगी, तभी वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को स्वस्थ रख पाएंगी। इस प्रकार की सलाह हमारी महिलाओं को यही सलाह है कि स्वयं अपने आप के बारे में भी सोचें, अपने आप को भी पहचाने, अपने आप को भी जानें और साथ साथ में अपने हेल्थ के प्रति बिल्कुल अवेयर रहें। हेल्थ से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, समय रहते अपने। और इस प्रकार के हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हम मतलब कैंसर के लिए हमने HCG में भी पहले भी पैप टेस्ट, मेमोग्राफी, इस प्रकार के प्रोग्राम किए हैं। मतलब महिला की हर हेल्थ से रिलेटेड हर प्रकार के टेस्ट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाते हैं, जिससे उनको ये रहे कि साल में हमको चेकअप करवाने चाहिए और हम स्वस्थ रहने चाहिए। प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का प्रोग्राम था और किस तरह के डॉक्टर्स ने, क्या कौन कौन डॉक्टर्स ने यहाँ इस इवेंट को ज्वाइन किया और क्या मैसेज दिया? डॉक्टर मेहता यहाँ पे, जो कि दिलीप मेहता जी यहाँ पे हमारे साथ थे, डॉक्टर ऋतु चतुर्वेदी जी, ऋतु चौधरी जी हमारे साथ थे और उनकी वाइफ डॉक्टर ममता मेहता जी हमारे साथ थी। उन्होंने गायनोलॉजी की डॉक्टर हैं वो, और डॉक्टर जो मेहता हैं, दिलीप मेहता जी, वो ऑर्थो के है ना, ऑर्थो के डॉक्टर थे। उन्होंने बोन डेंसिटी से रिलेटेड कि 40 इयर्स के बाद में महिलाओं की बोन्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है और उनकी कैल्शियम की जैसे कमी हो जाती है, इस प्रकार की सारी चर्चाएं सभी लोगों से की और क्वेश्चन आंसर जो कि किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है, किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी की है तो उससे संबंधित भी हमने चर्चा की। उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से सबको हर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज को समझाया। युवाओं से सार्थक सेवा संस्थान की मातृत्व दिवस यानी कि वर्ल्ड मदर्स डे के लिए, जिसमें सार्थक सेवा संस्थान और इंडस हॉस्पिटल ने एक जॉइंट वेंचर किया है। ये वेंचर बेसिकली हमारी माताओं के लिए था, जिसमें उनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स, उनकी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, उनको गायनेकोलॉजी संबंधित समस्याएं और सार्थक सेवा संस्थान के साथ एक एसोसिएशन, जिसमें हम उनके जितने भी मेम्बर्स हैं या उनके द्वारा हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें हम कोई इस प्रकार का डिस्काउंट या कोई सुविधा हॉस्पिटल के लिए दे रहे हैं। ये बेसिकली हमारी महिलाओं से संबंधित एक विचारधारा है, महिला सशक्तिकरण के बारे में, महिलाओं की हेल्थ के बारे में, महिलाओं की हड्डियों की मजबूती, बोन डेंसिटी, उनकी गायनेकोलॉजिकल समस्याएं, उनका समाधान कैसे करें उसके बारे में। प्लस एक हमारा नया वेंचर है जिसे हम जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी कहते हैं, यानी कि जोड़ों को बचाने की मुहिम। आज जिस प्रकार से अर्ली एज आर्थराइटिस बढ़ रहा है और अर्ली एज में रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन बढ़ रहे हैं, ये हमारी एक मुहिम है इस सार्थक सेवा संस्थान के माध्यम से, जिसमें हम जॉइंट प्रिजर्वेशन प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि जोड़ों को अपने अंत समय तक हम बचा के रख पाएं। ऐसी क्या चीज़ें हम करें जिससे हम नेचुरली जोड़ों को बचाएं या अपने नेचुरल जोड़ को लंबे समय तक चलाएं, ये उसकी एक मुहिम है। देखिए
जैसे हम बात कर रहे हैं पानी या मिनरल्स की या फ्लोराइड की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जोड़ अर्ली स्टेज में खराब हो रहे हैं। दूसरा, गठिया बाय की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी इस मुहिम में कि सही समय पर परामर्श, हम सही समय पर उपयुक्त डॉक्टर के पास जाएं जो आपको यह परामर्श दे सके कि आपको ऐसा क्या स्टेप लेना है कि यह घुटना घिसने से बचे या जोड़ खराब होने से बचे। उसमें दवाइयां हैं, इंजेक्शन है, लेजर सर्जरीज हैं, स्टेम सेल थेरेपी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो हम कर सकते हैं जिससे हम जोड़ को बचा पाए। तो मुहिम इम्पोर्टेंट है जागरूकता की, पब्लिक को ये बात समझने की कि सर्जरी एक अंतिम ब्रह्मास्त्र है जिसे अंत में ही यूज़ किया जाना है, और उससे पहले ऐसे कई रास्ते हैं जिन्हें हम अपनाएंगे तो हम उस चीज़ से बच सकते हैं। देखिए, केवल आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऑपरेशन एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, परंतु ज़रूरी ये है कि हम उसे सही जगह सही समय पे करा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर टू, हम लोग सर्जरी को अंत समय तक टालते रहते हैं, जितना उसे हम लेट करते हैं उतना हमारा रिजल्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं आ पाता है, और हम उसे इस बात से कोरिलेट कर देते हैं कि सर्जरी ख़राब है। आपके चैनल के माध्यम से जो पब्लिक को एक संदेश देना चाहते हैं वह यह संदेश है कि सर्जरी से